कितने मैं एक सनातनी हूँ, मेरा नाम पूजा शर्मा है और मेरा गोत्र है वशिष्ठ। और जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, बहुत से लोग आएंगे जो बोलेंगे मैं तो हिंदू ही नहीं हूँ जी, तो ये ना मेरा आधार कार्ड, पूजा शर्मा नाम है मेरा, गोत्र है मेरा वशिष्ठ, ब्राह्मण हूँ, किसान की बच्ची हूँ, मैं भी सनातनी हूँ। मुझे तो किसी मुसलमान ने मेरी गर्दन नहीं काटी, मेरे को तो किसी मुसलमान ने गाली नहीं दी। मैं इतने कंट्री, इतने मतलब भारत में इतनी जगहों पे मैं घूमी हूँ, मैंने, मेरे को तो किसी मुसलमान ने चोट नहीं पहुंचाई, या मेरे जाट भाइयों को किसी मुसलमान ने चोट नहीं पहुंचाई। जब तुम किसी के एरिया में जाकर ये बोलकर जाओगे कि तुम्हारा जीजा आ रहा है तो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हारा ऐसे ही स्वागत करेगा। 1947 के बाद पहला दंगा हुआ है मेवात में, और वो वही मेवात है कि जब मुगल आ रहे थे तो उन्होंने उनको खदेड़ा था मेवात में। मुगलों की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो वहां पर पैर रख दें, और आज वहां पर दंगे हो रहे हैं। तुम ये जो चार्च है, ये आरएसएस, ये हिंदू संगठन, ये बजरंग दल, सिर्फ इनको ही, जहां ये जाते हैं वहीं मुसलमानों के दंगे होते हैं जी, हिंदू मुसलमान के, और कहीं हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं होते। मुझे समझ में नहीं आ रहा, 800 साल मुगल शासन कर गए तब ये देश खतरे में नहीं आया, 300 साल अंग्रेज यहाँ पे शासन कर गए तब ये देश खतरे में नहीं आया, ये पूरे का पूरा देश 2014 के बाद बीजेपी सरकार के आने के बाद खतरे में आ गया। और जितने भी हमारे हिंदू सनातनी है ना, सारे वेंटिलेटर पे लेटे हुए हैं, सांसों के लिए एक एक कड़ियां गिन रहे हैं, हाय हमें सांस नहीं आ रही, हाय हमें सांस नहीं आ रही। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और इस प्रोपेगंडे के बीच में मेरे जाट भाइयों, मैं फिर बार बार खासकर मेरे जो नम्र निवेदन कर रही हूँ ना, मेरी जाट कौम के जो युवा भाई है ना, मैं उनसे कर रही हूँ, ये प्रोपेगंडा है, याद रखना 2013 के अंदर जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, तुम जाट थे, तुम हिंदू नहीं थे। 2016 के अंदर जब जाट आरक्षण हुआ था, कितने मेरे जाट भाई SC ST एक्ट में अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं, तो तुम जाट थे। 2021 में जो किसान आंदोलन हुआ था, वो किसान आंदोलन नहीं था, वो जाटों का आंदोलन था, तो तुम जाट थे ना, तो तुम हिंदू थे और ना ही तुम किसान थे, तुम थे जाट। 2023 के अंदर महिला पहलवान जो अभी बैठी थी हमारे देश की, वो आन बान शान जाटों की, वो बच्चियां किसानों की, वो बच्चियां जिन्होंने इस देश को गोल्ड मेडल जिताया, वो जाटों की बच्चियां थी, वो महिलाएं नहीं थी। इनके पिछवाड़े में इतना गुदा नहीं है कि ये लड़ाई को लड़ सके, इसलिए ये हाथ जोड़कर जाट भाई हमारी मदद करें, #जाट और #जाट, ये अपना प्रोपेगंडा खेल रहे हैं। इन्हें पता है कि जहां एक जाट कूदा वहां पूरी कौम कूद जाएगी, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। जाट एक मार्शल कौम है, महापुरुषों की कौम है, जिन्होंने इस देश की आजादी, भारत देश की आजादी जाटों के खून से लिखी गई है, वो है जाट। इस देश को 99% अगर मेडल जिताए हैं, देश का नाम रोशन करा है, वो है जाट। बॉर्डरों पे जाट, इस देश की सबसे पुरानी आर्मी जाट रेजिमेंट, वो है जाट। तो तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए हो, तुम मेरे देश की रक्षा करने के लिए हो, तुम्हारा काम हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़ने का नहीं है। मैं पूछती हूँ कितने बीजेपी के नेताओं के बच्चे ऐसे झगड़ों में आते हैं? और सुनिए, ये जितने बजरंग दल हैं, ये जितने हिंदू संगठन हैं, जितने आरएसएस वाले हैं, इन सबको आती है फंडिंग बीजेपी सरकार से, तो इनका तो काम है जी हिंदू खतरे में डालो और वोट बैंक बढ़ाओ, हिंदू खतरे में डालो और राजनीति खेल जाओ, हिंदू खतरे में डालो और प्रधानमंत्री बन जाओ। जाटो, तुम्हारा काम है दूध दही खाना और इस देश को मेडल जिताना। दूध दही खाना, बॉर्डरों पे खड़े होकर इस देश की बाहर के दुश्मनों से रक्षा करना। तुम्हारा कौम देश के अंदर ये हिंदू मुसलमानों के प्रोपेगंडा 2024 के चुनाव में मोदी को जिताने का काम नहीं है मेरे देश का, मेरे देश के जाट का इस देश को आगे बढ़ाने का काम है। क्योंकि सुनिए, सच्चा सनातनी, जो सच्चा सनातन धर्म को मानता है, वो दंगे नहीं करता। मैं भी सनातनी हूँ, मेरा भी नाम पूजा शर्मा है, मेरा गोत्र वशिष्ठ है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे तो घर से कोई दंगा करने नहीं जाता, मेरे मोहल्ले से कोई दंगा करने नहीं जाता, कोई मुसलमान मेरे मोहल्ले में आके हमसे दंगा नहीं करता। दूध दही खाना, बॉर्डरों पे खड़े होकर इस देश की बाहर के दुश्मनों से रक्षा करना। तुम्हारा कौम देश के अंदर ये हिंदू मुसलमानों के प्रोपेगंडा 2024 के चुनाव में मोदी को जिताने का काम नहीं है मेरे देश का, मेरे देश के जाट का इस देश को आगे बढ़ाने का काम है। क्योंकि सुनिए, सच्चा सनातनी, जो सच्चा सनातन धर्म को मानता है, वो दंगे नहीं करता। मैं भी सनातनी हूँ, मेरा भी नाम पूजा शर्मा है, मेरा गोत्र वशिष्ठ है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे तो घर से कोई दंगा करने नहीं जाता, मेरे मोहल्ले से कोई दंगा करने नहीं जाता, कोई मुसलमान मेरे मोहल्ले में आके हमसे दंगा नहीं करता। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज साथियों और मेरी बहनों, उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।
मेरे दोस्तों, हम आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक लड़की है ब्राह्मण और उसका नाम है पूजा शर्मा। वो किस तरह से बात करती है और किस तरह से हकीकत बयान करती है, उसको ज़रा आप गौर से सुनें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। मेरे दोस्तों, हमें चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, इस ज़मीन पर, इस धरती पर, ख़ास तौर से मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर एक इंसान को ये गौर करना चाहिए कि हर एक इंसान बुरा नहीं होता। चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, यही इस वीडियो के अंदर इस बहन ने लोगों को समझाया और बतला रही है कि हर एक इंसान गंदा नहीं होता या हर एक इंसान अच्छा नहीं होता। तो हमें इसी को देख कर के, उसी के नहज पर चल कर के हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और अपने मुल्क के अंदर ख़ास तौर से जो इस तरह की वारदात हमारे सामने आ रही हैं कि मणिपुर के अंदर किस तरह से दो बहनों को, दो लड़कियों को नंगा नचाया गया और उन पर हमारी हुकूमत खामोश है। इसी तरह से मेवात के अंदर किस तरह से दंगाइयों ने मुसलमानों पर और मुसलमानों ने दूसरों पर कैसे अत्याचार मुसलमानों पर हो रहे हैं, वहाँ मस्जिदों को तोड़ दिया गया। इसी तरह से हरियाणा में हाफिज़ मोहम्मद साद को 200 जालिमों ने किस तरह से उनको शहीद कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हमारी हुकूमत हर जगह खामोश है। अगर इनको कुछ नज़र आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डिबेट पर डिबेट अगर होती है चैनलों के ज़रिए से, तो वो सिर्फ ये जिनसे कौम को, आवाम को कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है, वो चीज़ें डिबेट पर होती हैं, न्यूज़ चैनलों पर वो खबरें दिखाई जाती हैं। आप खुद देख सकते हैं कि आज जो न्यूज़ चैनलों पर ट्रेंड चल रहा है और वहाँ जो टाइटल दिखाया जाता है, तो वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह से जहर उगाल दिया जाता है, तो ये गोदी मीडिया किस तरह से हुकूमत की चापलूसी करती है, उसको भी आप सामने रखिए। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें इस चीज़ से मुतवज्जे होना है कि कहीं इस हुकूमत के ज़रिए से या इस चैनलों के ज़रिए से, न्यूज़ चैनलों के ज़रिए से हमें भड़काया तो नहीं जा रहा है। अगर हमें भड़काया जा रहा है तो मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह ने, ऊपर वाले ने अक्ल सलीम दी है, अक्ल दी है हमें अल्लाह ने, हमें उसका सही इस्तेमाल करना है। आप इस वीडियो को सुनिए और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।